ये गाइस देख सकते हो आप यहाँ मेरी बेटी क्या कर रही है। तो यहाँ काट रही है पालक, मैं बना रही थी चाय तो वो कटिंग कर रही है। मैं इसे बोली थी तुम रूम में रख के आओ और ये कट खुद से करने लगी है। और मैं यहाँ पे चाय और पानी लेकर आ गई हूँ, तो मैं पी रही हूँ पानी, उसके बाद पीऊँगी चाय। चाय पी ही रही थी इस बीच सब्जी वाले भैया की आवाज़ आई, तो मैं सब्जी भी लेने चली गई थी। तो आप देख सकते हो नींद सुबह कितनी अच्छी होती है, उठने का मन नहीं करता है और फिर भी उठना पड़ता है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो सौम्या क्या कर रही है। बहुत अच्छे तरीके से कट भी कर रही थी, बारीक बारीक चाकू से हेल्प करवा रही है, सब्जी काट रही है। कट नहीं की है लेकिन कट कर रही थी। और दूसरी बात आप देख सकते हो सब्जी वाले भैया आ गए, तो मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, कुछ बोल भी रही थी आई थिंक, सो याद नहीं है। तो मैं इनसे ले रही थी सब्जी, कुंदरू ले रही थी और परवल ली थी। तो मैं ग्रिल के अंदर से वीडियो बना रही थी तो क्लियर पूरा नहीं आया है क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो ग्रिल के अंदर से ही बना रही थी वीडियो। तो आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी उनकी टोकरी दिखाई दे रही है, ऐसे रेडी पे पूरा टोकरी लेकर आते हैं। और मैं इनसे ली सब्जी, उसके बाद आ गई अपना घर में। अंदर देख सकते हो आप सब्जी और कुंदर सब्जी इस टाइम हो रही है, थोड़ी कॉस्टली हो रही है सब्जी, बोला जाता है। सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है, पिछले लॉकडाउन में सब्जी का रेट थोड़ा कम था, ये इस बार कम नहीं हुआ है, बढ़ा हुआ ही है। और मैं किचन में रखने आ गई हूँ इसे, और फिर मैं यहाँ पे आके पी रही हूँ चाय। और सौम्या सिंह लगी हैं पालक काटने में, मैं इनसे बोल भी रही थी सब्जी आप ही बना दो, बोल रही मुझे नहीं आता है, सब्जी आप बना लो, रोटी मैं बना दूँगी। तो इससे बातें कर करके मैं चाय भी पी रही थी और वो अपना काट करने में लगी हुई है। फिर चाय पी के मैं ही काटूँगी सब्जी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे पैक्स वो पता नहीं धुंधला सा हो गया है थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे, सॉरी। तो बच्चे खुश होते हैं ना अंदर से, अभी काम करने के लिए मिल रहा है, पढ़ाई करने बोलो तो प्रेशर बनता है, और इसमें काम करने में इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। मैं इनसे बोल भी रही थी कि अगर काम करने का टाइम आएगा ना तो छुप के भाग जाओगी, तो मेरे से पूछ रही है बचपन में आप भी यही काम करते थे? बोले हाँ यही काम करती थी मैं भी। तो अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है इनको काम करने में। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ पालक साफ। पालक कल ही ली थी तो थोड़े से पत्तियाँ गले गले से हो गए थे उसके, तो मैं उसको बस पत्ते पत्ते तोड़ रही थी, डंडी सारा निकाल के मैं फेंक रही थी इसमें से। और सौम्या सिंह तो लगी ही हैं कट करने में, उससे बातें भी मैं कर रही थी पता नहीं क्या। और शौर्य सिंह तो देखते हैं कि जब गेट खुला मॉर्निंग में निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो वो तो अपना निकल गए थे घूमने के लिए। और माँ और बेटी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं काम। गाइज यही है हमारा मॉर्निंग का रूटीन, उठो चाय बनाओ तो सब्जी बनाओ रोटी बनाओ नाश्ता बनाओ, बस बच्चे के लिए उठना पड़ता है करना पड़ता है। मैं भी उठती हूँ क्या करूँ, मन नहीं भी होता है तो उठना पड़ता है, यही है। और उसके बाद मैं आप लोग सब यहाँ मिलूँगी नहाने के बाद, तो मैं नहा के आ चुकी थी। सौम्या का भी बाल धो के मैं नहाई लाई थी, आज संडे था, मैं भी बाल धो के नहाई थी। और इसके बाल में कर रही हूँ कंघी, और शौर्य सिंह से बातें भी कर रही हूँ, गुस्सा भी हो रही हूँ उस पर। तो आप देख सकते हो इसकी चोटी, इसके चोटी बनाने में बहुत ज़्यादा महाभारत है क्योंकि बाल हैं इसके लंबे और धो देने के बाद भी ज़्यादा उलझती है। तो देख सकते हो गाइस चोटी बन गई है इसकी। पॉपकॉर्न लगा, पॉपकॉर्न ऑर्डर लेके आओ। मैं उसका बाल पकड़ के बोल रही थी कि उस पॉपकॉर्न लगाया पॉपकॉर्न, और उधर से जा रही हैं पाउडर लाने, पाउडर लेके आ रही हैं, मैं उनको लगाऊंगी पाउडर। देख सकते हो मेरे पास ट्राईपोड नहीं है ना, स्टैंड नहीं है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में।
मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ पिल्लो के ऊपर रख के उससे टच करके, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा नहीं ले पाती हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट नहीं है ना मेरे पास, इसलिए होती है मुझे दिक्कत। इसलिए मैं तैयार कर रही हूँ कि इसका ट्यूशन का हो रहा है टाइम, तो ये जाएगी ट्यूशन। इसको कर रही थी मैं रेडी कि चलो तुम जाओ ट्यूशन, और सारे सीन बोल रहे थे कि मुझे रेडी नहीं कर रहे हो। तो गाइज आप देख सकते हो इनको आगे पीछे करके मैं ले रही थी, वीडियो बना रही थी, और यहाँ दोनों भाई बहन बैग अपना ले लिए हैं, स्लीपर पहन रहे हैं, सारे सीन सैंडल पहन रहे हैं, और दोनों जाएंगे ट्यूशन। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते ना, हम भी बचपन में पढ़ने नहीं चाहते थे, अब बहुत ज़्यादा फील होता है कि अगर पढ़ते तो अच्छा काम करते, जॉब करते, क्या ये हाउस वाइफ की ज़िंदगी है। तो उसके बाद बच्चे चले गए, मैं खाना खाने बैठ गई, उसके बाद खा रही हूँ मैं खाना, देख सकते हो आप, चावल सब्जी और चिप्स खा रही हूँ। दाल बनती है बट मुझे दाल अच्छी नहीं लगती है। मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने, खाना खाने के बाद धोने लगी हूँ मैं बर्तन। मम्मी काम कर ले रही थी तो मैं सोची मम्मी फिर आती हैं तो बर्तन धोने लगती हैं तो पूरा काम उन्हीं पे हो जाता है, तो इसलिए मैं सोची मैं ही धो देती हूँ, धोया हुआ रहेगा तो मम्मी को नहीं धोना पड़ेगा, तो इसलिए मैं धो रही हूँ बर्तन। देख सकते हो यही है हाउस वाइफ की ज़िंदगी, अगर मैं पढ़ी लिखी रहती थोड़ी सी भी तो अच्छा लाइफ होता मेरा भी, खास जॉब करती है ना, पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा नौटंकी की थी ना, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मैं बस फटाफट धो दे रही हूँ बर्तन, और कुकर छोड़ दी थी बेसिंग में ही क्योंकि कुकर में चावल थोड़ा सूखे सूखे से हो रखे थे, तो मैं सोची पानी से भिगो के छोड़ देती हूँ। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं आप लोग से बातें करने। हे एवरीवन, तो जैसा कि मैं अभी आप लोग ने देखा कि मैं दोपहर का खाना खाई, बर्तन धोई, और खाना खा के बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ आप लोग से बातें करने, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ ठेकुआ। इसे कौन कौन जानता है, बिहार के लोग तो सब जानते होंगे कि ये है ठेकुआ, तो ये मेरी मम्मी बनाई थी। इसका रेसिपी मैं सोची थी शेयर करूंगी, लेकिन उस दिन हो रही थी मेरी तबीयत ख़राब तो मैं नहीं शेयर कर पाई, और अभी सौम्या छोरे चले गए हैं ट्यूशन, मेरा काम दोपहर का कंप्लीट हो गया है, फिर इवनिंग में होगा स्टार्ट, रोज़ का तो यही काम है, सुबह शाम दोपहर। तो आज तो दोपहर में चावल उबल मम्मी बनाई थी क्योंकि मैं कहीं चली गई थी काम से, मुझे ज़रूरी काम था तो वहाँ पे मैं चली गई थी, तो दोपहर का चावल मम्मी ही बनाई हैं और बच्चे को मम्मी ही खिलाई हैं। उसके बाद जब मैं आई हूँ तो खाना खाई हूँ, खाना खाने के बाद बर्तन धोई हूँ, और मैं सोची थोड़ी बहुत आप लोग से बातें कर लूँ। तो बातें की दुकान, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ बातें की दुकान, तो प्लीज़ आप लोग बातें की दुकान की चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपकी छोटी सी सपोर्ट बात की दुकान की फेस पे ला सकती है स्माइल, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो मैं करती हूँ वीडियो की एंड क्योंकि हो जाएगी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग, तो चलो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर भाई, टेक केयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है, चलो बाय।